डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे, उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को हमने कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट किया था, और आज उसका अपोजिट हम पॉजिटिव से सेंटेंस को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. एंड रिमेंबर दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वन टू वन कंपैरिजन, ये भी वन टू वन कंपैरिजन का ही पार्ट है. और मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि जहां पे वन टू वन कंपैरिजन होगा वहां पी टू सी एंड सी टू पी ही पॉसिबल है. मतलब पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, तो आज एक सेंटेंस में सबसे पहले लिख के बताता हूं पॉजिटिव का. राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम. राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम. यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा है पॉजिटिव डिग्री का, इसका मतलब है कि राम श्याम जितना ही मजबूत है. ओके, अब मुझे इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं कौन से रूल्स अप्लाई करूंगा कि ये सेंटेंस कंपैरेटिव में कन्वर्ट हो जाए. जैसे मैंने आपको जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना सिखाया था तो उस समय मैंने रूल्स बताए थे, और रूल्स को अगर आप फॉलो कर ले तो 100% आपका आंसर करेक्ट होने वाला है. और सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया था, जैसे मैं ये अपने कान को पकड़ रहा हूँ, लेफ्ट ईयर को मैं टच कर रहा हूँ, ओके, और घुमा के अगर देखो आप तो मैंने लेफ्ट ईयर को ही टच किया है. ओके, मैंने राइट ईयर को टच नहीं किया. इसका मतलब ये है कि आप सेंटेंस को भले ट्रांसफॉर्म कर रहे हो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन आपको सबसे बड़ा रूल जो है ग्रामर का वो याद रखना है, मीनिंग शुड नॉट चेंज, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. ओके, तो अभी हम एक बार रूल्स देख लेते हैं. रूल्स क्या है, तो रूल्स जो है, पहला रूल यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज इट्स प्लेस. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने जगह को इंटरचेंज करेंगे, मतलब राम श्याम की जगह पे चला जाएगा और श्याम जो है वो राम की जगह पे आ जाएगा. ओके, सो द फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज इट्स प्लेस. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अपने प्लेस को इंटरचेंज करेंगे. देन मैंने सेकेंड रूल आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हो सेंटेंस, अगर क्वेश्चन का सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा. ओके, तो आपको सेकेंड रूल याद रखना है, इफ क्वेश्चन इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डिग्री नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, एक अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं, तो इफ क्वेश्चन इज पॉजिटिव देन आंसर विल बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा. ओके, थर्ड रूल ये है कि आपको यहां पे जो आपका एडजेक्टिव है उसको चेंज करना है. अगर आप यहां पे देखो पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव फॉर्म में है. ओके, उसको आपको कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करना है. मैंने आपको बताया कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो टॉपिक है उसमें मेन रोल एडजेक्टिव का ही है. ओके, तो थर्ड रूल क्या आएगा, कन्वर्ट द एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव फॉर्म. मतलब आपको एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, एंड चौथा रूल, एडजेक्टिव के बाद देन लगाना कंपलसरी होता है. अब मैं आपको बता दूं कि दो देन, एक होता है थे एंड देन और दूसरा होता है थे एंड देन. ओके, देन जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. देन कहां पे यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए. और देन का हिंदी मीनिंग होता है तब. ओके, तो ये आपको याद रखना कि जब भी आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको THAN वाले देन का यूज करना है. ओके, और ये देन का पोजीशन क्या होगा, तो देन हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है. कंपैरेटिव डिग्री में देन हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है. ओके, तो put then after comparative adjective. ओके,
अब रूल्स में जो मेन सेंटेंस है उसको हाईलाइट कर देना है, जैसे यहां पे सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हमने हाईलाइट किया, ओके, देन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, ओके, तो इस तरह से। तो अब एक बार रूल को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला हमें क्या करना है, राम और श्याम के पोजीशन को चेंज करना है। तो मैं ऐसा ही करता हूं, जब सेंटेंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो श्याम को पहले लेता हूं, श्याम इज, श्याम भी सिंगुलर है तो आप इज लोगे यहां पे। और एक और चीज याद रखना है बच्चों, आप जो बहुत कॉमन मिस्टेक करते हो, फिर बोलते हो कि मैंने तो ऑलमोस्ट सही लिखा था लेकिन मेरे आंसर को गलत कर दिया गया, तो एक्चुअली आपने क्या किया है, श्याम इज के लिए श्याम वॉज रख दिया होगा, ठीक है, आपने टेंस ही पूरा चेंज कर दिया, प्रेजेंट को पास्ट में कर दिया। ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है, आपने भले डिग्री ऑफ कंपैरिजन के सारे रूल्स फॉलो किए होंगे लेकिन आपने सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से चेंज कर दिया है इज का वॉज करके। तो आपको ध्यान रखना है कि इज का इज ही रहे, वॉज ना हो, टेंसेस चेंज ना हो। सेकेंड रूल है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक एफर्मेटिव है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है, हमारा आंसर को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, इज के बाद नॉट लगा देना, ओके, तो श्याम इज नॉट, ओके। मैंने आपको बताया था कि जैसा तीसरा रूल जो है अपना, कि हमें ओके, अभी हम अपने तीसरे रूल पे आ जाते हैं। तो तीसरे रूल में मैंने आपको बताया था कि हमें अपने एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, स्ट्रॉन्गर, ओके। तो श्याम इज नॉट स्ट्रॉन्गर, और मैंने चौथा रूल लिखवाया है उसमें आप देखो तो एडजेक्टिव के बाद देन लगाना कंपल्सरी है, टी एच ए एन, देन लगाना कंपल्सरी है। तो श्याम इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन, और फिर राम को लास्ट में ले जाते हैं, ओके। और मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा रूल क्या होता है, व्हाट इज द बिगेस्ट रूल ऑफ ग्रामर व्हेन यू आर डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। जब आप सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो सबसे बड़ा रूल ग्रामर का ये होता है कि आप, मैं फिर से आपको बताता हूं, ठीक है, मैं अपने लेफ्ट ईयर को पकड़ रहा हूं और घुमा के भी मैं अपने लेफ्ट ईयर को पकड़ रहा हूं। इसका मतलब ये है कि भले मैं सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर रहा हूं लेकिन आपको याद रखना है मीनिंग शुड नॉट चेंज, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पे देखो, राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, राम श्याम जितना ही स्ट्रॉन्ग है। दूसरे सेंटेंस को जब मैंने कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया तो देखो आप क्या मीनिंग चेंज होता है क्या, श्याम इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम, श्याम राम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि राम श्याम जो है वो भी राम जितना ही स्ट्रॉन्ग है, ओके। पहले वाला सेंटेंस में क्या था, राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, राम श्याम जितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरे वाले में मीनिंग क्या है, श्याम इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम, ठीक है, श्याम जो है वो राम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब श्याम और राम दोनों एक जितने ही स्ट्रॉन्ग है, ओके, क्लियर। तो इस तरह से आप कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। और आपको याद रखना है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब ये वन टू वन कंपैरिजन हो, ओके। तो दो चार और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमें पता चले कि हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सूरत इज नॉट सो डेवलप्ड एज अहमदाबाद। अब देखिए यहां पे मैंने, ये भी एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, यहां पे मैंने सूरत और अहमदाबाद का कंपैरिजन किया है। और आप इस सेंटेंस को किस तरह से पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बता सकते हो, तो यहां पे अगर आप एडजेक्टिव देखते हो तो एडजेक्टिव डेवलप्ड है, अगर यहां पे मोर डेवलप्ड होता तो कंपैरेटिव डिग्री का होता। चलो बच्चों यहां पे एक बार एग्जांपल सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको बताया सेंटेंस शॉर्ट हो या लेंथी हो, अगर आप रूल अप्लाई करते हो तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सूरत इज नॉट सो डेवलप्ड एज अहमदाबाद, सूरत अहमदाबाद जितना डेवलप नहीं है। चलिए अभी रूल अप्लाई करके सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं कंपैरेटिव में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ले लेते हैं। पहला रूल हमारा ये है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज इट्स प्लेस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अपने जगह को इंटरचेंज करेंगे, ओके। तो हमने अहमदाबाद को पहले ले लिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है, वहां पे नॉट यूज किया गया है, तो हमें नीचे नॉट यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो हमने अहमदाबाद इज लिखा,
उसके बाद मैंने तीसरा रूल आपको बताया था कि एडजेक्टिव को आपको क्या करना है, कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो एडजेक्टिव को जब आप कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो डेवलप्ड का हो जाएगा मोर डेवलप्ड। ओके, तो अहमदाबाद इज मोर डेवलप्ड। फिर मैंने चौथा रूल आपको बताया था कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद देन लगाना कंपलसरी होता है, तो उसके हिसाब से हम यहां पे देन का यूज कर लेंगे। ओके, तो अहमदाबाद इज मोर डेवलप्ड देन, और लास्ट में अहमदाबाद की जगह सूरत ले लेगा। ओके, तो अहमदाबाद इज मोर डेवलप्ड देन सूरत। अब हमें ध्यान देना है कि मैंने जो आपको रूल बताया था उस रूल पे आपको ध्यान देना है कि कान को मैं इस साइड से पकड़ू या घुमा के पकड़ू। कान मैं लेफ्ट वाला ही पकड़ रहा हूं, ठीक है, आई एम टचिंग माय लेफ्ट ईयर। इसका मतलब ये है कि भले सेंटेंस पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट हुआ है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप देख लेते हैं, जब क्वेश्चन था तो इसका मतलब ये था कि सूरत इज नॉट सो डेवलप्ड एज अहमदाबाद, सूरत अहमदाबाद जितना डेवलप नहीं है। और जब मैंने उसका आंसर लिखा, कन्वर्ट किया उसको कंपैरेटिव में, तो अहमदाबाद इज मोर डेवलप्ड देन सूरत, अहमदाबाद जो है वो सूरत से ज्यादा डेवलप्ड है। तो अगर आप इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग को देखते हो तो यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। ओके, चलिए अब थोड़ा आते हैं विराट एंड रोहित पे। ओके, तो विराट इज नॉट More, sorry, Virat is not so entertaining as Rohit. Okay? ये sentence मैंने लिखा कि Virat is not so entertaining as Rohit. Virat जो है वो रोहित जितना entertaining नहीं है। इसका मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि रोहित शर्मा ज्यादा छक्के मारता है, उसके बैटिंग को देख के ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलता है। ओके, थोड़ा क्रिकेट का फ्लेवर डाल लेते हैं इसमें, तो विराट इज नॉट सो एंटरटेनिंग एज रोहित, ठीक है, विराट जो है वो रोहित जितना एंटरटेनिंग नहीं है। चलिए हम रूल अप्लाई करते हैं, रोहित को पहले लेते हैं, तो रोहित इज, ऊपर का सेंटेंस नेगेटिव है तो नीचे वाले सेंटेंस को हमें नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमारा जो वर्ब, हमारा जो एडजेक्टिव है उस पर फोकस करना है। एंटरटेनिंग जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, तो एंटरटेनिंग को हम मोर एंटरटेनिंग में कन्वर्ट कर देंगे, तो रोहित इज मोर एंटरटेनिंग जैसे फोर्थ रूल मैंने आपको बताया था कि आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो होगा उसके बाद देन लगाना कंपलसरी है, वैसे मैंने देन लगा दिया। और जो हमारा फर्स्ट रूल है उसको फिर से याद कर लेते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज इट्स प्लेस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अपने प्लेस को इंटरचेंज करेंगे, तो अभी रोहित की जगह माना जाएगा विराट आ जाएगा। ओके, तो एक बार मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा सेंटेंस जो है, जो हमने आंसर लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, विराट इज नॉट सो एंटरटेनिंग एज रोहित, ठीक है, विराट जो है वो रोहित जितना एंटरटेनिंग नहीं है, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं। ओके, तो रोहित इज मोर एंटरटेनिंग देन विराट, ठीक है, रोहित जो है वो विराट से ज्यादा एंटरटेनिंग है। ओके, तो आपने यहां पे देखा कि मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, तो जब भी आप ग्रामर का कोई भी टॉपिक कर रहे हो, डू एज राइटर और पोर्शन में आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, सेंटेंस को एक से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका मीनिंग चेंज हो रहा है तो आपको खुद समझ जाना है कि आपका आंसर गलत है। ओके, तो आज के वीडियो में हमने अपने वन टू वन कंपैरिजन को खत्म किया, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव को खत्म किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की, किस तरह से सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहा जाता है ना कि नॉलेज हमेशा एक जगह नहीं रखना चाहिए, डोंट स्टोर द नॉलेज इन योर माइंड। ओके, शेयर इट, अगर आप शेयर करते हो तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।